हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो है वेक्टर विश्लेषण से। न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है तो पहले न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। फिगर शोज ए बी सी डी ई एफ एज अ रेगुलर हेक्सागन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई एंड प्लस ए एफ। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ओके। और अगर हम लोग ऑप्शन में अगर देखें, देखो सभी के सभी जो ऑप्शन है वो ओ ए के फॉर्म में है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार और प्लस ए एफ बार, ओके। सो नाउ इट इज ए बी को मैं एज इट इज लिखूंगा, ए बी बार प्लस। नाउ व्हाट इज एसी, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ अगर चलते हैं तो ओए के फॉर्म में आंसर लिखना है तो सभी वेक्टर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसी मतलब क्या है, यहां पे मैं रेड कलर से आपको शो कर रहा हूं। देखो एसी जो है वो ये टर्म है, ओके। नाउ बाय ट्राइंगल लॉ दिस एसी मींस वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू सी एंड विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये AC जो होगा वो AB प्लस BC होगा। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं AB बार प्लस ये हो जाएगा BC बार। उसके बाद AD क्या है, देखो यहां पे मैं फिर से शो करता हूं, दिस वन इज AD। तो AD को मैं यहां पे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं AO प्लस OD। यहां पे बार है इसका मतलब डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन यहां पे मैटर करता है। उसके बाद AE, AE क्या है, यहां से मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगा AE, राइट। तो AE का मतलब एरो अगर इधर है तो बाय ट्राइंगल लॉ अगेन आई कैन राइट हियर AE मतलब क्या, AF प्लस FE, राइट। और फाइनली मैं AF को एज इट इज रख देता हूं, दैट इज दिस वन। तो यहां पे हमने AC, AD और AF को रिप्लेस किया है। नाउ अब यहां पे देखो ये हो जाएगा टू टाइम्स ए बी, तो मैं लिख रहा हूं टू टाइम्स ए बी प्लस मैं लिखूंगा यहां पे बी सी प्लस ए ओ प्लस ओ डी प्लस यहां पे भी देखो टू टाइम्स ए एफ हो जाएगा, इट इज टू टाइम्स ए एफ और फिर से प्लस एफ ई एज इट इज। फिर से हम लोग यहां पे देखो कंपेयर करते हैं दो टर्म्स को, यहां पे मैं कंपेयर करूंगा टू टाइम्स ए बी को और ए एफ को। तो यहां पे डायग्राम में चलते हैं टू टाइम्स ए बी एंड ए एफ, टू टाइम्स हम लोग बाजू में रखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे ए बी और ए एफ क्या है। तो अगर मैं ए बी अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं ए बी और अगर ये होता है ए एफ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सेंटर से पास होगा। तो बाय पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये ए बी प्लस ए एफ क्या होगा, ये हो जाएगा दिस वैल्यू दैट इज ए ओ, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू टाइम्स ए ओ बार, किसके जगह पे, हमने इसके जगह पे टू टाइम्स ए ओ रिप्लेस कर दिया है बाय पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद प्लस बी सी, अब बी सी क्या है, चलो मैं कलर फिर से चेंज कर रहा हूं यहां पे। अब देखो यहां पे बी सी का मतलब होगा बी टू सी, और अगर मैं इस टर्म को ये जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं या फिर हाईलाइट कर रहा हूं इसको अगर एक पैरलोग्राम अगर ट्रीट किया तो इस केस में BC और AO सेम हो जाएगा बिकॉज पैरलोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट। मतलब इस BC के जगह पे मैं AO रख सकता हूं। प्लस थर्ड जो टर्म है वो तो ऑलरेडी AO है, तो यहां पे हमने इतने टर्म को सॉल्व कर दिया है। नाउ व्हाट अबाउट OD एंड FE, तो OD को अगर अच्छे से देखते हो तो देखो यहां पे OD क्या होगा, OD मतलब O टू D, और ये हम लोग लेंगे यहां पे पैरलोग्राम। तो इस पैरलोग्राम में OD इज इक्वल्स टू FE क्योंकि इट इज अ पैरलोग्राम, सॉरी इट इज अ अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम। मतलब इस OD के जगह पे अब मैं रखूंगा FE प्लस टू टाइम्स F तो ऑलरेडी यूज हो चुका था और फिर से प्लस FE, ओके। नाउ अब इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा फोर टाइम्स AO। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहां पे चलता हूं, दैट इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स AO प्लस आगे क्या था यहां पे, चलो देख लेते FE, टू टाइम्स FE था, इट इज टू टाइम्स, सॉरी इट इज FE बार। सो फोर टाइम्स AO प्लस, तो मुझे टू टाइम्स FE को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से डायग्राम में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम को क्लीन कर देता हूं, मतलब समझने के लिए ईजी हो जाएगा। देखो अब हियर इट इज,
एफ ई है हमारे पास, मैं यहां पे ये लेता हूं पैरलोग्राम, ये जो मैं रेड कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूं। इन दिस पैरलोग्राम दिस एफ ई मीन्स दिस वन। मैंने बार बार कहा है कि अगर वहां पे बार है, एरो अगर है, तो डायरेक्शन मेक्स मैटर। तो एफ ई जो है इसकी डायरेक्शन ये है एंड विच इज इक्वल टू ए ओ, क्यू क्यू की ये पैरलोग्राम हमने हाईलाइट किया है और पैरलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब एफ ई के जगह पे मैं ए ओ रख सकता हूं। तो अब यहां पे रखेंगे हम लोग, इट इज टू टाइम्स ए ओ, ओके नाउ इट इज टू प्लस फोर प्लस टू, दैट इज सिक्स टाइम्स ए ओ। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। सो दैट इज अ सम ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स, और अगर ऑप्शन में अगर चलते हैं तो देखो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, सिक्स टाइम, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है।